चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च की असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत, स्पीकर के वकील नईम बुखारी को रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी गई। अगर हमने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने लाएं, शहबाज शरीफ ने कहा। हम में से किसी ने जुर्म नहीं किया, किसी खारजा ताकत को दावत नहीं दी। अमेरिका ने रूस का दौरा करने पर इमरान खान को सजा दी, रूसी वजारत खारजा का बयान। अमेरिका का कहना है कि हम पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। IMF प्रोग्राम मौतली की खबरें अफवाह करार, वजारत खजाना की तरदीद जारी। तर्जुमान वजारत खजाना ने कहा, IMF पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेकाम के लिए पुरजम है। वजीर आला पंजाब का इंतखाब, PTI के पार्टी अरकान पंजाब असम्बली को नोटिस जारी। गैर हाजिरी या खिलाफ वोट देने पर आइन के आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का इंतबाह कर दिया। रमीज राजा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकाम की रवा हफ्ते दुबई में मुलाकात होगी। रमीज राजा ICC को पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के निकात पर खसूसी रिपोर्ट देंगे, मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जाएगा। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट। कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रब्ता कीजिए। पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी ने इस्तदा की है कि अदालत स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार दे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स और खत मंगवाया जाए, अदालत स्पीकर की रूलिंग कालादम करार देकर असम्बली बहाल करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग से मुतालिक अस खुद नोटिस की समाअत का आज दूसरा दिन था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी ने दलाइल दिए। दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपने अच्छे और टू दी पॉइंट दलाइल दिए हैं, हमें यही तवक्को थी। रजा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा, आईन में वजीर आजम को हटाने का तरीका कार दर्ज है, वजीर आजम इस्तीफा दे सकते हैं, अक्सरियत खो दें तो अदम एतमाद पर एतमाद का वोट हासिल करना होता है, जब करारदाद पार्लियामेंट में आ जाए तो वजीर आजम असेंबलियां तहलील नहीं कर सकता। रजा रब्बानी ने कहा, दरपेश सूरत हाल में वजीर आजम असेंबली नहीं तोड़ सकते थे, अदालत डिप्लोमेटिक केबल को तलब करे,
अदालत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के मिनट्स भी तलब करके हक का एक जांचे। इस तरह असेंबली तोड़ने की कार्रवाई इब्तिदा से ही कलअदम है। रजा रब्बानी ने दलाइल देते हुए ये भी कहा कि अदालत ने रूलिंग दुरुस्त करार दी तो आइंदा तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकेगी। आइन के खिलाफ वर्जी हो तो अदालत जायजा ले सकती है। आर्टिकल 69 के तहत पार्लिमानी कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल होता है। स्पीकर कार्रवाई चलाने के लिए जो फैसला करे उसे तहफ्फुज़ हासिल होगा, लेकिन आर्टिकल 5 के खिलाफ वर्जी और रूलिंग का आपस में ताल्लुक नहीं बनता। डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 की तशरीह करके अरकान पर इत्तला कर दिया, इसलिए स्पीकर की रूलिंग का आर्टिकल 95(2) के तहत जायजा लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने अच्छे और टू दी पॉइंट दलाइल दिए हैं, हमें यही तवक्को थी। रजा रब्बानी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज कर दिया, जो मुतहदा अपोजिशन की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI से मुतालबा किया है कि अगर हमने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने लाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, हमने ये जुर्म नहीं किया, हम में से किसी ने जुर्म नहीं किया, किसी खारजा ताकत को दावत नहीं दी। इस मामले का अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISPR से मुतालबा करता हूँ, अगर हमने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने लाएं, अदालत के सामने ये सबूत लाएं। लीगी सदर ने कहा, मैंने कभी इतने साफ अल्फाज में बात नहीं की, अब अदालत से भी मुल्तमिस हूँ। अपने वकला के जरिए ये मुतालबा रखेंगे कि बराहे करम इस बात का जायजा लें और फॉरम बना दें जिसमें बात आया हो। उन्होंने मजीद कहा, हमने 3.5 साल ये मुतालबा किया कि ये हुकूमत जाली और वजीर आजम भी जानी है। हमने जब आइनी और कानूनी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक पेश की तो उसके बाद गद्दारी के नारे लग गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, निगरान सेटअप के लिए आरिफ अलवी का कोई खत नहीं मिला। आरिफ अलवी और इमरान न्याजी आइन शिकनी के मर्तकब हैं। पहले इसका फैसला होगा, बाकी बातें बाद में होंगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क के आइन और जमहूरियत को आग लगाने की कोशिश की, हम इमरान खान की बगावत के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस के बाद पैदा सूरतहाल से वाज़ेह है कि अमरीका ने बात ना मानने पर नाफरमान इमरान खान को सज़ा देने का फैसला किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका ने रूस का दौरा मनसूख ना करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को सज़ा दी। रूसी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने फरवरी में रूस का दौरा मनसूख करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पर जबरदस्त दबाव डाला। रूसी वजारत खारजा का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस के दरमियान अमरीकी नायब वज़ीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड ल्यू ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर को तलब करके दौरा फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया, जिसे रद्द कर दिया गया। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि यह अमरीका की जानिब से आज़ाद रियासत के मामलात में अपने खुद गर्जाना मकासद हासिल करने के लिए शर्मनाक मदाखलत की कोशिश है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में किसी भी एक सियासी जमात को किसी दूसरी सियासी जमात के मुकाबले में सपोर्ट नहीं करते। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने के इल्जामात में कोई कतई सच्चाई नहीं। अमरीका आइन की पुरमन बालादस्ती जमहूरी उसूलों कानून की हुक्मरानी की कानून के तहत बराबरी के उसूलों की हिमायत करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क को हमारे दाखिली मामलों में मदाखलत करनी चाहिए। अदम एतमाद की तहरीक के दौरान पेश आने वाले मामलात के बाईस IMF प्रोग्राम की मौतली से मुतालिक अफवाहों को वजारत खजाना ने झूठ करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजारत खजाना की जानिब से IMF प्रोग्राम मुअत्तल होने से खबरों को अफवाह और झूठ करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक के दौरान पेश आने वाले मामलात और वाकयात के बाईस IMF प्रोग्राम की मुअत्तली से मुतालिक कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, जिसकी वजारत खजाना ने तरदीद कर दी है। तर्जमान वजारत खजाना का कहना है कि IMF प्रोग्राम मुअत्तली पर मीडिया इत्तला गलत है, IMF प्रोग्राम पर कयास आरइयों में कोई सदाकत नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि IMF से डेटा शेयरिंग और हाथ पर बातचीत जारी है और IMF भी वजारत खजाना ने जारी बयान में कयास आरइयों की तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वां जायजा है
और जायजे की तकमील के बाद मुआवनत की अगली किस्त का इजरा होगा। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने पंजाब असम्बली को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पार्टी के तमाम अरकान असम्बली परवेज इलाही को वोट दें। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के पेश नज़र तहरीक इंसाफ ने पार्टी अरकान पंजाब असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को वोट देने का पाबंद कर दिया। गैर हाजिरी या खिलाफ वोट देने पर आइन के आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का इंतबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली को नोटिस पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। पार्टी के तमाम अरकान असम्बली परवेज इलाही को वोट दें। अरकान को खबरदार किया गया है कि वोटिंग के रोज गैर हाजिरी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वर होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएंगे। मुनहरिफ अरकान की हमजा शहबाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुलाकातों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया। ऐमान में अपोजिशन बेंचों पर बैठने की फुटेज भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना ली गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग 7 से 10 अप्रैल तक दुबई में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें शिरकत के लिए पीसीबी सरबरा रमीज राजा और चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन कल दुबई रवाना होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकाम की गैर रस्मी मुलाकात रवां हफ्ते दुबई में होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग 7 से 10 अप्रैल तक दुबई में हो रही है, जिसमें शिरकत के लिए पीसीबी सरबरा रमीज राजा और चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन कल दुबई रवाना होंगे। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी, जिसमें मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जाएगा। ICC क्रिकेट कमेटी, फाइनेंस और दीगर कमेटियों के इजलास होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ICC को पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के इनेकाद पर खसूसी रिपोर्ट देंगे। इजलास की साइडलाइंस पर चेयरमैन पीसीबी मुख्तलिफ बोर्ड सरबराहान से मुलाकातें करेंगे, जिसमें वो चार मुल्की T20 टूर्नामेंट का मुजवजा प्लान भी दूसरे बोर्ड हुकाम के साथ शेयर करेंगे। कोरोना के बायस गुज़िश्ता 2 बरस ज्यादातर ऑनलाइन मीटिंग्स हुई। अब तमाम बोर्ड मेंबरान दुबई पहुँच कर इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में मैं आपको सस्पेंड कर दूं। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मुतल्लिक किया गया, लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।